एक और बड़ी खबर आ रही है जहां पर लखनऊ में विद्युत समस्याओं को लेकर एक अभियान चलाया गया है, जहां पर जो लोगों की समस्याएं हैं उनको हल किया जाएगा। आपको बता दें कि 31 जुलाई से 6 अगस्त तक ये अभियान चलाया जा रहा है। RDSS योजना के तहत ये प्राथमिकता पर काम किया जाएगा, जनता की समस्याओं को हल करने के लिए, जनसंपर्क बढ़ाने के लिए ये कैंपेन चलाया जा रहा है, ये अभियान चलाया जा रहा है। जनप्रतिनिधियों से चर्चा करके सुझाव भी लिए जाएंगे और उसके बाद समस्याओं का हल किया जाएगा जनता की। 31 जुलाई से 6 अगस्त तक ये जनसंपर्क अभियान चलेगा। विद्युत समस्याओं के समाधान के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी जुड़ गए हैं अंकित श्रीवास्तव। अंकित, इस अभियान में किस प्रकार से जनता की समस्याओं को सुना जाएगा? क्या ये ऑफलाइन रहेगा, ऑनलाइन रहेगा? कोई इसके लिए स्पेशली केंद्र खोले जाएंगे? किस प्रकार से जनसंपर्क होगा? क्या इसकी मुहिम की रूपरेखा तय की गई है? जी, यूपी में 5 डिस्कॉम है जो UBCL के अंतर्गत काम करते हैं। इन 5 डिस्कॉमों को RDSS स्कीम के थ्रू जो है 13,632.24 करोड़ की धनराशि आवंटित की जाएगी। और ये धनराशि आवंटित करने के बाद बार बार जो सरकार कहती है कि विपक्ष कहता है कि बिजली का संकट है उत्तर प्रदेश में और बिजली नहीं आ रही है, ये राशि उन कामों में यूज की जाएगी, जैसे पोल लगाने में यूज की जाएगी, लाइन बढ़ाने में यूज की जाएगी, गांव गांव में बिजली के लिए यूज किया जाएगी। और इसके लिए जो भी एप्लीकेशन देता है, जो भी आम जन एप्लीकेशन देता है या फिर जो दूसरे डिस्कॉम एप्लीकेशन देते हैं कि हमारे पास बजट नहीं है इस गाँव में बिजली बढ़ोतरी का, तो वो वहां पर वो काम करेगा ये जो पैसा है। ठीक है, इसमें जनप्रतिनिधियों का क्या योगदान रहेगा? जी, इसमें इसमें जन जो जनता है उसको बार बार जो है बार बार उत्तर प्रदेश में बिजली संकट का सामना कर रही है और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी इस समय बिजली संकट जो है वो बहुत ही गंभीर रूप से छाया हुआ है यहाँ पर। तो इसी को देखते हुए केंद्र सरकार की जो RDSS स्कीम है इसको 5 डिस्कॉमों के अंतर्गत कुछ पैसे आवंटित करे गए हैं, जिसमें जो यहाँ का क्लस्टर है उसको 3842 करोड़ रुपए करे गए हैं राजधानी लखनऊ के लिए। और वो ये जो क्लस्टर का पैसा है वो पूरा यहाँ राजधानी लखनऊ में जन समस्याओं के लिए ही यूज होगा। ठीक है, तमाम जानकारी साझा करने के लिए अंकित शुक्रिया आपका। तो ये हमारे सहयोगी थे अंकित, जिन्होंने जानकारी दी है कि किस तरह से विद्युत समस्याओं का समाधान किया जाएगा। एक बजट तय किया गया है, उस बजट के तहत ये पूरी समस्याओं का हल होगा और जहाँ जहाँ ट्रांसफार्मर नहीं लगे हैं या फिर कुछ ऐसी समस्या है जहाँ पर विद्युत नहीं पहुँच पा रही है या फिर लोगों को परेशानी हो रही है, तो वहाँ पर उनकी समस्याओं को हल करने के बाद जनप्रतिनिधि एक्चुअल कारण है वो अधिकारियों को बताएंगे और चाहे वो बजट से संबंधित हो, चाहे वो किसी भी चीज़ से संबंधित हो, उसको हल किया जाएगा।